चलो ध्यान दो, जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन वाले पार्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो जैसे इतना तो बेसिक आइडिया तुम लोगों को ही है, तो कि आई साउंड आ रहा है ना सबको, कंफर्म कर हाँ सर, आ रहा दो। चलो ठीक है, तो स्क्रीन दिख रहा सर। है। ओके, तो जैसे हम लोग जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चलते हैं कि हम लोगों का जो ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाले पार्ट में हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट होते हैं वो ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट नहीं करते, ऑर्बिटल्स वाले पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं। और ऑर्बिटल्स वाले पार्ट का मतलब न्यूक्लियस के अलोंग कोई रीजन ऑफ स्पेस, हो सकता है सर्कुलर हो, कोई दूसरा शेप में हो, कोई कोई भी रैंडम शेप में हो, बट न्यूक्लियस के अलोंग कोई सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस को हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, उस रीजन ऑफ स्पेस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, अगर ऐसा चीज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो उस जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है इसमें कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, तो बेसिकली पहले प्रोबेबिलिटी निकालने आना चाहिए। उसके अलावा जो रीजन ऑफ स्पेस है, मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं हम लोग, वो स्पेस वाला पार्ट कैसे एग्जिस्ट कर रहा, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा, इन सब चीजों को निकालने आना चाहिए। उन सब चीजों को हम लोग बेसिकली एक ऐसा मानते हुए चलते हैं कि जैसे पहले हम लोग मान के चल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन वाला जो पार्ट है उसमें पार्टिकल नेचर है, फिर बाद में कंसिडर किया गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट में वेव नेचर भी होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट में जो पार्टिकल नेचर था तो उधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह सब टाइप का पार्ट आया था। उसके अलावा फिर हम लोग पार्टिकल नेचर वाले पार्ट में और चार्ज है, तो चार्ज वाले पार्ट को और पार्टिकल नेचर वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए एटॉमिक ऑर्बिटल में बोर्स मॉडल वगैरह सब डिस्कस किए थे। जब वेव नेचर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे तो वेव नेचर में ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन वाला जो पार्ट है वो हमेशा मूव करता है, तो कि वेव के फॉर्म में मूव करता है। और जब भी एक वेव के फॉर्म में कोई भी चीज़ें मूव करती है तो हमेशा हम लोग एक वेव का इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो जो वेव का इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं वहीं पे हम लोग टर्म यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट किस तरीके से हम लोगों के एटम के या फिर न्यूक्लियस के आजू बाजू में रोटेट कर रहा है, फिर घूम रहा है, या फिर किस तरह का हम लोगों का ये क्या बोलते हैं पाथ फॉलो कर रहा है। तो हम लोग वो जो पाथ फॉलो करने के टाइम पे जो इक्वेशन बना सकते हैं या फिर जो फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं उसी फंक्शन वाले पार्ट को हम लोग साइज से डिनोट करते हैं, जिस चीज को हम लोग श्रोडिंगर वेव फंक्शन आराम से बोल सकते हैं। ऐसा बोलने का एक नॉर्मल तरीका होता है। बट उसमें जैसे एक चीज सुना होगा, ये चीज शायद तुम लोग को याद भी होगा, मैथ्स में कभी कभी सुना होगा, तुम्हारे काम का नहीं होता, सिलेबस का पार्ट नहीं होता, जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं मैथ्स वाले पार्ट में, जिसमें तुम लोग के सारे कैलकुलेशन चलते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मार्क करके चलते हैं। और सिमिलर टाइप से एक और सिस्टम होता है जहाँ पे हम लोग टर्म यूज करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑल्दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिवली आसान दिखता है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला पार्ट जब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है या थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा इजी वे है। और इस केस में हम लोग आर के टर्म में काम करते हैं, थीटा के टर्म में काम करते हैं, एक मिनट, आर के टर्म में काम करते हैं, उसके अलावा थीटा के टर्म में काम करते हैं, उसके अलावा फाई के टर्म में काम करते हैं। तो आर, थीटा और फाई इस टर्म में जब हम लोग काम करते हैं तो उस केस में हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे हम लोग जो भी कंसिडरेशन लेके चले गए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, जो हम लोग मोस्टली थ्री डायमेंशनल स्पेस से बात कर रहे हैं उसमें भी एक रेगुलर शेप की बात कर रहे हैं। रेगुलर शेप मतलब थोड़ा सिमेट्रिकल शेप, थोड़ा स्फेरिकल टाइप का शेप, ओवल शेप, जहाँ पे सर्टेन टाइप का रेडियस डिफाइन कर सकते हैं, इन सब चीजों की बात कर रहे होते हैं। तो उस केस में हम लोग नॉर्मली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में काम कर सकते हैं। और जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में बात करेंगे तो जैसे यहाँ दिख रहा है कि हम लोग के पास एक रेडियस का पार्ट है, मतलब बेसिकली एक डिस्टेंस का पार्ट है, उसके अलावा थीटा और फाई। इसका आइडिया है तुम लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताओ भाई किसको एकदम आइडिया नहीं है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का? नहीं ना सर, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। सर हाँ, मतलब किसको एकदम आइडिया नहीं है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये बता दो। चलो मेरे हिसाब से मान के चल रहे हैं कि सबको थोड़ा बहुत आइडिया है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का,
उस केस में नॉर्मली हम लोग जैसे ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं कि ऐसा एक्सिस वाला जो पार्ट होता है उसमें एक तो हम लोग आर लेते हैं, फिर उसके अलावा जब यहाँ से ऊपर जाते हैं तो यहाँ वाले पार्ट में जो भी एंगल का डेविएशन आता है वो थीटा होता है, फिर यहाँ से हम लोग जब जेड एक्सिस में आते हैं तो जो भी यहाँ पे जेड एक्सिस में एंगल आता है वो फाई वाला पार्ट होता है। खैर जो आर वाला पार्ट है वो बेसिकली एक रेडियस का फॉर्म है और कुछ नहीं है। जो थीटा वाला पार्ट है वो तो एंगल है ही और फाई वाला पार्ट भी एक एंगल है। मतलब इस पूरे पार्ट में जैसे हम लोगों का साई वाला पार्ट है अगर, तो साई वाले पार्ट को हम लोग फंक्शन ऑफ रेडियस के बराबर आराम से बोल सकते हैं, थीटा के बराबर एंड फाई के बराबर बोल सकते हैं। इसमें दोनों के दोनों पार्ट एंगल्स है, जब थीटा और फाई दोनों ही एंगल्स है, तो जो एंगल्स है उसको हम छोड़ देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, तो अपना वैल्यू बच जाएगा फंक्शन ऑफ रेडियस एक चीज, और उसी के साथ साथ हम लोग का बच जाएगा फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई वाला पार्ट। तो ये दो पार्ट में इसको हम लोग आराम से ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों को केवल रेडियल फंक्शन से मतलब होगा, मतलब रेडियस से एसोसिएशन है, तो इस चीज को हम लोग रेडियल वर्ड में आराम से कन्वर्ट करते हुए चल सकते हैं। मतलब ओवरऑल ऐसे लिखने का एक तरीका होगा कि हम लोगों का जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होगा, जिसमें हम लोग जो भी ग्राफ का पार्ट पढ़ते हैं वो सारा का सारा पार्ट हम लोग रेडियल फंक्शन के टर्म में आराम से मेंशन करते हुए चले जाते हैं। उसमें दो तीन चीजों का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा, जैसे कंसिडरेशन ये सब ध्यान में रख के चलना है हम लोगों को। एक तो ये पार्ट की ग्राफ में कौन कौन से एक्सिस के बीच में हम लोग काम करते हैं, पहला चीज। दूसरा हम लोगों का जो मतलब ग्राफ वाला पार्ट होता है उसमें एंगुलर नोड क्या होता है, रेडियल नोड क्या होता है, इस एक चीज का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होगा। जैसे मान लो अगर हम लोग रेडियल नोड की बात करें, मान लेते हैं तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भी कोई, ये मालूम होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो भाई कोई, n माइनस l माइनस 1 देख के बता रहा है जी। नो सर, याद रखा करो भाई, रेडियल नोड का फॉर्मूला ध्यान रखने का है। रेडियल नोड का फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1 के बराबर, उसके अलावा एंगुलर नोड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है l के बराबर l। तो यहाँ से जब हम लोग टोटल नोड की बात करेंगे तो टोटल नोड का मतलब होता है कि रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। एंगुलर नोड को हम लोग नोडल प्लेन भी बोलते हैं, नोडल प्लेन, और रेडियल नोड वाले पार्ट को हम लोग नोडल सरफेस बोलते हैं। तो इस केस में जैसे नोडल प्लेन हो गया या फिर नोडल सरफेस हो गया, जब सबको एड अप करेंगे तब जाकर के हम लोग आराम से टोटल नोड की बात कर सकते हैं। एन माइनस एल माइनस 1, उसी के साथ साथ एल, इसका मतलब टोटल वैल्यू एन माइनस 1 के बराबर निकल के आ जाएगा। ये अपना टोटल नोड आराम से निकल के आ सकता है। इन सब वैल्यूज का थोड़ा ध्यान रखना, एक्चुअल में ये रेडियल नोड इस वैल्यू का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग 1s की बात करते हैं तो उसमें कितना रेडियल नोड होगा बताओ, कितना रेडियल नोड? 0। तो 1s बोला तो n वाला पार्ट 1 के बराबर हो गया, l वाला पार्ट s के लिए 0 के बराबर होता है, तो 1 माइनस 0 0 के बराबर। जब 2s लेके चलेंगे तो उसके इसमें रेडियल नोड कितना होगा, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 1 के बराबर, तो एक नोड निकल के आ रहा है। नोड का मतलब क्या है ये चीज तुम लोग को मालूम होना चाहिए, नोड का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली जहाँ पे 0 के बराबर है तो वहां पे हम लोग टर्म नोड आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो इस केस में 1s में 0 रेडियल नोड, 2s में 1 रेडियल नोड, मान लेते 3s लेके चलते, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 2 रेडियल नोड। इससे शेप बनाना आसान हो जाएगा, ग्राफ वाला पार्ट एटलीस्ट बनाना आसान हो जाएगा। मान लो हम लोग 2p की बात करते हैं तो 2 माइनस 1 माइनस 1 इसका मतलब 0 रेडियल नोड, जब 3p की बात करेंगे तो 3 माइनस 1 माइनस 1 इसका मतलब 1 रेडियल नोड, अगर 3d की बात करेंगे तो उसके इसमें 0 रेडियल नोड, अगर 4d की बात करेंगे तो 1 रेडियल नोड। इस तरीके से रेडियल नोड वाला पार्ट हम लोग कंसिडर करके नॉर्मली चल रहे होते हैं। तो हम लोग का जो भी ग्राफ बन के आएगा उस ग्राफ वाले पार्ट में रेडियल नोड कितने हैं, ये सारे के सारे चीजों को हम लोग को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। कैसे ध्यान रखते हैं, मतलब ध्यान रखते हुए जो भी ग्राफ वाला पार्ट लेंगे उस ग्राफ को सीधा इन कंसिडरेशन से रिलेट करके देखना। जैसे मान लो कि अगर हम लोग ग्राफ वाले पार्ट मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेकर के चले कि हम लोग का जो वेव फंक्शन था रेडियल वेव फंक्शन वाला पार्ट,
ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, जो फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आया था, मतलब जो हम लोगों का श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का जो फंक्शन था, वो फंक्शन जब हम लोग रेडियल फंक्शन के टर्म में रख रहे थे, तो ये वर्सेस रेडियस, रेडियस का मतलब ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस के टर्म में काम कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में अगर हम लोग का रेडियल वेव फंक्शन, तो इसमें हो सकता है ऐसा एफ रेडियस रखे या पाई रेडियल, सॉरी साई रेडियल भी मेंशन कर दिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का रेडियल वेव फंक्शन रेडियल श्रोडिंजर इक्वेशन वाले पार्ट से मतलब रखना है हम लोग उसमें वर्सेस रेडियस का ग्राफ। तो इस केस में जैसे अगर मान लो हम लोग 1s की बात करें, तो 1s वाले पार्ट में सिंपली जैसे कुछ चीजों का थोड़ा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ग्राफ बनाते वक्त, और कुछ चीजों को ज्यादा कंसिडर करके चलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक चीज ध्यान रखते हुए काम करना कि हम लोगों का मान लो s है, तो s का शेप क्या होता है याद है कुछ? बोल सकते हो, ऑडियो अनम्यूट करके रखा करो फटाफट, क्योंकि डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, हम कुछ सिखा नहीं रहे। स्फेरिकल शेप, तो स्फेरिकल शेप का मतलब हो गया कि हम लोग सेंटर के अलोंग एक स्फीयर के फॉर्म में सारे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस से जैसे ही हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हाई होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट थोड़ा घटना शुरू होगा, और स्फेरिकल शेप से और ज्यादा बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी घटना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब हम लोग 1s की बात करेंगे, तो 1s वाले पार्ट में न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन के रहने की टेंडेंसी सबसे हाईएस्ट थी। और दूसरा, तो एक तो स्फेरिकल शेप है, तो न्यूक्लियस के पास मतलब रेडियस जब जीरो होगा, तब उस केस में इलेक्ट्रॉन सबसे हाईएस्ट डेंसिटी के साथ रह रहा था, या फिर इलेक्ट्रॉन के रहने की टेंडेंसी सबसे हाईएस्ट थी, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट था, ऐसा हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं। तो जो अपना रेडियल वेव फंक्शन है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू पर आना चाहिए। और दूसरा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, रेडियस वाला पार्ट इंक्रीज करेंगे, तब उस केस में जो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में इलेक्ट्रॉन काफी हायर वैल्यू पे होगा, और टाइम के साथ वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। और उसको ये चीज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जैसे 1s वाले पार्ट में अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, रेडियल नोड जीरो के बराबर है। अगर हम लोगों का 1s में रेडियल नोड वाला पार्ट जीरो के बराबर है, मतलब कहीं पे नोड का मतलब जैसे मैथ्स में पढ़ा था ना भाई, कि y = x² है, x² + 4 है, तो यहाँ पे प्लस फोर या माइनस ले लेते हैं, माइनस फोर है, तो इसका मतलब हम लोग x का दो वैल्यू निकाल के ला सकते हैं। हाँ ठीक है, x का वैल्यू हम लोग प्लस माइनस टू लेके आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता था कि x का वैल्यू माइनस टू और x का वैल्यू प्लस टू, इन दोनों पे ये पूरा का पूरा पार्ट x एक्सिस को दो बार कट करेगा, तो वहां पे कट करेगा, और उसी चीज को हम लोग रूट्स बोलते थे, उसी चीज को हम लोग सॉल्यूशंस भी बोलते थे। तो नोड का सिंपल सा मतलब अभी के लिए यही समझ लो, नोड का वैल्यू जहाँ पे वेव हम लोग जीरो के बराबर वैल्यू एक्वायर कर रहा है, मतलब वेव का एक सॉल्यूशन के जैसा, उसको हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोगों का 1s में एक भी नोड नहीं है, मतलब हम लोगों का इक्वेशन जीरो के बराबर कभी भी नहीं हो पाएगा। तो शुरू में जो वैल्यू था वो इन्फिनिटी पे है, मतलब काफी हाई वैल्यू है, और टाइम के साथ धीरे धीरे वैल्यू वाला पार्ट डिक्रीज करना शुरू किया, और डिक्रीज करने के साथ साथ कभी जीरो नहीं हो रहा। तो जीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब हम लोग एक्सपोनेंशियल टाइप का ग्राफ ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल तो नहीं होता, डिपेंड करेगा कि हम लोगों का वेव फंक्शन किस तरीके का है, लेकिन हम लोग ग्राफ को ऑलमोस्ट इस टाइप का रख सकते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके ये चीज टच कर रहा है पूरे ग्राफ वाले पार्ट को, तो ये अपने 1s का ग्राफ हो जाएगा। तो जब भी ग्राफ बनाना है तो उस केस में ऑर्बिटल के शेप को ध्यान रखना, मतलब हम लोग उल्टा पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग ग्राफ के हिसाब से उसका शेप नहीं बना रहे, हम लोग शेप के हिसाब से ग्राफ बना रहे हैं। तो पहले जो ऑर्बिटल है उसका शेप डिसाइड कर लो, और शेप डिसाइड करने के बाद उसमें एंगुलर नोड देखो कितना होता है, उसके हिसाब से कंसिडरेशन शुरू कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो 2s में ज्यादा क्लियर पिक्चर होगा, इसमें अगर 2s लेके चलते हैं तो ग्राफ वाले पार्ट में, एक सेकेंड, अगर 2s वाले पार्ट को कंसिडर करके चले हम लोग, तो इस केस में ग्राफ वाले पार्ट में सबसे पहला पार्ट शेप तो इसका भी स्फेरिकल है 2s वाले पार्ट का, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होगा। तो जब रेडियस जीरो होगा तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल के आना चाहिए। लेकिन 2s में रेडियल नोड वाला पार्ट एक के बराबर है, मतलब एक रेडियल नोड एग्जिस्ट कर रहा, तो इसका मतलब 2s वाले पार्ट का जो ग्राफ है वो डेफिनेटली अपने एक्सिस को एक बार कट करेगा, एक नोड मतलब एक सॉल्यूशन एक बार कट करेगा। तो एक बार कट करने का मतलब है जैसे जैसे रेडियस बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट या फिर जो वेव फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, और पूरे के पूरे एक्सिस को एक जगह कट करेगा, बट केवल एक ही जगह कट करेगा। तो एक जगह कट करने का मतलब जब यहाँ से नीचे जाएगा तो फिर वेव के जैसा हम लोग
ये डायग्राम आराम से मेंशन कर सकते हैं। इस केस में हम लोग का जो 2s है उसमें एक रेडियल नोड था, अगर एक रेडियल नोड था तो ग्राफ वाला पार्ट एक बार ग्राफ को टच किया या कट किया, और कट करने के बाद फिर से ऐसा बोल रहे हैं ग्राफ वाला पार्ट पूरे एक्सिस को एक बार कट किया, फिर कट करने के बाद नीचे गया, फिर एक पीक का वैल्यू आया और वहां से हम लोग इन्फिनिटी वाले पार्ट पर आराम से जा सकते हैं। तो सिमिलर टाइप से जब हम लोग 3s का ग्राफ बनाएंगे तो 3s वाले पार्ट में हम लोगों का जो ग्राफ है उसमें दो पार्ट कटिंग हो रहा है, मतलब दिख रहा है एक तो स्फेरिकल शेप है पहला चीज, और स्फेरिकल शेप होने के बाद क्या है तो इस केस में कितना रेडियल नोड है, तो रेडियल नोड वाला पार्ट 3s वाले पार्ट में 2 के बराबर है, मतलब अपने का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ वाला पार्ट पूरे एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले पार्ट को दो बार कट करेगा। दो बार कट करने का मतलब शुरू में हम लोग काफी हाई डिस्टेंस से शुरू कर रहे थे, मतलब हाई डेंसिटी वाले पार्ट से या फिर हाई वेव के वैल्यू से शुरू कर रहे थे इस चीज को, फिर उसके बाद एक जगह कट किए फिर नीचे गए, फिर उसके बाद दूसरी जगह कट किए फिर ऊपर गए, फिर उसके बाद आराम से ग्राफ को आगे लेके जा सकते हैं। तो जो हम लोग का शेप होगा उससे स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है। तो एस है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट काफी हाई वैल्यू से होगा, फिर उसके बाद अगर 1s हुआ तो कभी भी ग्राफ को कट नहीं कर रहे, मतलब एक्सपोनेंशियल टाइप का ग्राफ बना रखे हैं, अगर कट कर रहे हैं 2s है तो एक बार कट करेंगे, जब एक बार कट किए तो ग्राफ को इस ऊपर वाले शेप के जैसा बनाना है, अगर दो बार कट किए तो पहले ग्राफ क्लियर नीचे आएगा, एक मिनिमा निकल के आएगा, फिर ग्राफ ऊपर जाएगा, और क्योंकि वेव है तो वेव के जैसा नेचर कुछ तो होना चाहिए, इसलिए वेव के जैसा उसको हम लोग ग्राफ को मेंशन करते चले जा रहे हैं। अगर मान लो हम लोग 2p की बात करते हैं तो सबसे पहला पार्ट 2p का शेप क्या होता है, तो 2p वाले पार्ट का शेप तो सबको मालूम है डम्बल शेप होता है। तो डम्बल शेप होने का मतलब क्या है, इस बार न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब न्यूक्लियस के पास रहने पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। न्यूक्लियस में हम लोग नहीं बोल सकते कुछ भी, न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ठीक है न्यूक्लियस के जस्ट बाहर निकलने पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाना शुरू करें तो पहले तो इसमें कितने रेडियल नोड है, तो रेडियल नोड वाला पार्ट 0 के बराबर है, और दूसरा इस बार न्यूक्लियस के पास मतलब जब रेडियस 0 के बराबर है तो वहां पे हम लोगों का इलेक्ट्रॉन एकदम 0 के नियर अबाउट है, तो हम लोग ग्राफ ऊपर के पॉइंट से डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग वहां से नहीं शुरू करेंगे, 0 से शुरू करना शुरू करेंगे। फिर न्यूक्लियस के पास में जब रेडियस अप्रोक्सीमेटली 0 था तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट 0 था, तो हम लोग ग्राफ 0 से शुरू होगा, और वेव के जैसा हम लोग ग्राफ ऐसा बना सकते हैं, एक भी रेडियल नोड नहीं है, मतलब ग्राफ कभी भी नीचे वाले एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये 2p का हम लोग ग्राफ आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे 2p की जगह पे अगर हम लोग 3p बनाते हैं तो 3p वाला पार्ट एक बार सोच के देखो क्या ग्राफ निकल के आना चाहिए, सोच के देखो एक बार। अनु कॉपी में ट्राई करके देखो और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर 3p वाले पार्ट का ग्राफ बनाएंगे तो 3p वाले पार्ट में पहले तो रेडियल नोड निकालो, रेडियल नोड कितना है तो 2 के बराबर पहला चीज, दूसरा 3p का शेप भी न्यूक्लियस के पास सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा, तो इस केस में न्यूक्लियस के पास सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर उसके बाद ग्राफ वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट हायर जाएगा, फिर एक बार ग्राफ कट करेंगे, तो जब ग्राफ को कट करेंगे तो फिर ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा और उसके बाद फिर आराम से वैल्यू आगे की तरफ ले सकते हैं। और ऑब्वियस बात है न्यूक्लियस के पास जितना ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अच्छा वेव के फॉर्म में रहेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे, तो जैसे फिजिक्स में एक टर्म पढ़ा होगा डैम्पिंग, ऑलमोस्ट उस टाइप का ग्राफ है, डैम्पिंग में शायद ध्यान होगा कि ग्राफ जो है इस टाइप का निकल के आता है, इस टाइप का ग्राफ कंसिडर करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस के दूर जाएंगे ग्राफ का जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ घटना शुरू हो जाएगा, तो इस केस में हम लोगों का पहले ग्राफ वाला पार्ट, और ये चीज ध्यान रखना न्यूक्लियस के अलावा हम लोग रेडियल नोड की बात नहीं कर रहे हैं, रेडियल नोड वाला पार्ट हम लोग एक सर्टेन डिस्टेंस के अलावा एक सरफेस बना के चल रहे हैं, तो ये जो पहला पार्ट है इसको कंसिडर नहीं करना है जीरो पे, ये ग्राफ का जो एक पार्टिकुलर पॉइंट है जिसको रेड से मार्क कर रहे हैं, केवल ये पार्ट अपना रेडियल नोड कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जो ग्राफ है ये पूरे के पूरे एक्सिस को एक बार कट करेगा, और अगर एक बार कट किया तो ग्राफ फिर नीचे जाएगा, नीचे जाने का फिर से आराम से ऊपर आ सकता है। तो सेम टाइप का चीज 3p की जगह 4p में कर सकते हैं, उसमें दो बार कटिंग होगा, उस टाइप का मेंशन आराम से कर सकते हैं ग्राफ,
जैसे मान लो अगर 3D लेके चलते हैं, तो 3D में सोच के देखो क्या निकल के आएगा वैल्यू, अगर 3D होता तो क्या ग्राफ निकल के आता। सोच के देखो एक बार, जब 3D वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे तो उसके इसमें भी अगर आइडियल नोड निकालेंगे तो रेडियल नोड कितना आना चाहिए 3D वाले पार्ट में, तो n माइनस एल माइनस वन, इसका मतलब रेडियल नोड यहाँ पे भी जीरो के बराबर ही निकल के आएगा। अगर रेडियल नोड वाला पार्ट जीरो के बराबर निकल के आया तो उसके इसमें एक बार भी ग्राफ एक्सिस को नीचे वाले एक्सिस को कट नहीं कर रहा होगा, ये तो बिल्कुल फिक्स है। और दूसरा, जैसे सर कोई भी शेप लेके चले हम लोग 3D वाले पार्ट में, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले पार्ट को भी अगर कंसिडर करके चले तो न्यूक्लियस के आजू बाजू बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के आजू बाजू अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इसका मतलब न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट थोड़ा इंक्रीज करेगा या वेव फंक्शन थोड़ा इंक्रीज करेगा, फिर और ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे तो वेव वाला पार्ट फिर से जीरो के अराउंड होना शुरू हो जाएगा। तो ग्राफ इस टाइप का निकल के आना है जैसा पी वाले पार्ट में निकल के आ रहा था। तो ये हम लोग का आराम से 3D वाले पार्ट के लिए नॉर्मल साई रेडियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये होता है, जैसे जब हम लोग ऑर्बिटल का शेप निकालते हैं तो केवल इससे काम नहीं चलता। जैसे एक चीज तुम लोगों को ध्यान होगा, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मेंशन करते हैं या क्वांटम नंबर वाला पार्ट, तो उसमें एक चीज मेंशन करते हैं कि हम लोग का तीन क्वांटम नंबर, तो टोटल जो चार क्वांटम नंबर है एन एल एम और एस, इनमें से तीन क्वांटम नंबर हम लोग थियोरेटिकली निकालते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर वाला पार्ट हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो जब थियोरेटिकली इस चीज को निकालना है, मतलब केवल हम लोगों के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन साई से मतलब नहीं होगा, हम लोग इसके अलावा भी कुछ चीजें चाहिए होंगी। तो हम लोग बेसिकली साई स्क्वायर से भी मतलब रखते हैं। और एक चीज ध्यान होगा तुम लोगों को, जो साई वाला पार्ट है वो तो वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, लेकिन साई स्क्वायर वाला पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस चीज के लिए कंसिडर करता है। तो मेरे हिसाब से साई स्क्वायर का ग्राफ बनाना मुश्किल चीज नहीं है। जैसे मान लो एक चीज सोच के देखो, y = x का ग्राफ कैसा होता है। ऑडियो ऑन म्यूट रखो भाई अपना, ताकि डिस्कशन कर पाए। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। y = x स्क्वायर करेंगे तो ग्राफ क्या होता है? पैराबोला। और पैराबोला बनाने के लिए शायद से तुम लोग मैथ्स में ही सिखाया गया होगा कि जब हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायरिंग के टाइम पे जो वन का वैल्यू होता है, एक तो पहला चीज जब स्क्वायर करते हैं तो उस केस में जो ग्राफ है वो जो भी नेगेटिव ग्राफ है वो पॉजिटिव के साइड में चला जाएगा, पहला चीज। तो जो नीचे वाला ग्राफ है या नीचे वाला पार्ट भी आराम से हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, नीचे व्हाइट से मेंशन कर देते हैं, ये भी पार्ट ऊपर के डायरेक्शन में चला जाएगा, पहला चीज। उसके अलावा वन तक का जो पार्ट होगा उसके अंदर का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, मतलब वन के अंदर का जो वैल्यू होता है वो थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है, और जो वन के ऊपर का वैल्यू होता है वो तेजी से इंक्रीज करते तो ग्राफ ऊपर चला जाता है। ओवर जो ग्राफ है कुछ इस टाइप का पाराबोला के फॉर्म में निकल के आता है। जब भी कभी हम लोगों का एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा, भाई बंद कर यार, किसका बैकग्राउंड है पटकने का आवाज चल रहा है कुछ। जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो वैल्यू अपना इंक्रीज करेगा, जब एक्स का वैल्यू लेस देन वन है तो स्क्वायरिंग करने पे हम लोग का वैल्यू ओवरऑल चीज करना शुरू करता है, इसलिए जो ग्राफ है वो पैराबोला के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन हम लोग को इसमें दो चीजों से मतलब है बेसिकली। पहला चीज, अगर
स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो उस केस में स्क्वायरिंग के टाइम पे हम लोग का टोटल वैल्यू नेगेटिव था और नेगेटिव वाला पार्ट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, और दूसरा स्क्वायरिंग के टाइम पे जो भी वैल्यू वन से छोटा था वो और बढ़ गया, वन से बड़ा वाला वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज कर गया। तो हम लोग पहले हर एक जगह पे ग्राफ जो मेंशन कर रहे थे उसमें हम लोग साई के रिस्पेक्ट में काम कर रहे थे, मतलब रेडियल फंक्शन ही था बट हम लोग साई के रिस्पेक्ट में काम कर रहे थे। अभी हम लोग इसी साई के जगह पे साई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। तो साई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में जब काम करेंगे तो जैसे पहला ग्राफ है तो इसमें साई स्क्वायर कर दिया अगर, क्या फर्क पड़ेगा? तो ग्राफ पहले से सारा पॉजिटिव था, अब पॉजिटिव था तो ओवरऑल फिर कुछ भी नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव की तरफ तो नहीं शिफ्ट हुआ, मतलब ग्राफ का नेचर इसी टाइप का रहने वाला है। लेकिन स्क्वायरिंग करेंगे तो जो वैल्यू हायर था उसका वैल्यू और ज्यादा स्टीप हो जाएगा और जो वैल्यू नीचे रहा होगा और ज्यादा नीचे की तरफ खिसक जाएगा, ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। तो इसका मतलब जो हम लोग का साई स्क्वायर का वैल्यू है वो एक्चुअल में साई स्क्वायर वर्सेस रेडियस, इसका जो वैल्यू है ये एक्चुअल में साई वर्सेस रेडियस के ग्राफ से रिलेट करना होगा हम लोगों को। कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो इस केस में जो सबसे पहला ग्राफ था हम लोग का वन एस वाले पार्ट का, तो इसका ग्राफ हम लोग के पास दे रखा था इस टाइप का। तो जब हम लोग साई स्क्वायर करेंगे तो ग्राफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, उससे ग्राफ वाला पार्ट एग्जैक्टली इसी टाइप का कंसिडर करके काम कर सकते हैं। वो सिमिलर टाइप का एक ग्राफ निकल के आएगा साई स्क्वायर रेडियल फंक्शन वर्सेस आर का। बट अगर मान लो हम लोग 1s के जगह पे 2s लेके चलते हैं तो 2s में थोड़ा ग्राफ में वेरिएशन था, 2s का जो ग्राफ मेंशन किए थे वो इस टाइप का मेंशन किए थे। तो इस केस में जब हम लोग इसके जगह पे साई स्क्वायर करेंगे तो पहला तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग का ग्राफ जो ऊपर से आया था वो ऑलमोस्ट ऐसा ही आएगा, थोड़ा सा यहाँ वेरिएशन के साथ, मतलब ग्राफ जो स्टीप थोड़ा स्टीप टाइप का रह जाएगा। बट जिस पॉइंट पे नोड है तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो भी जीरो ही रहेगा वैल्यू, मतलब जीरो का स्क्वायर करने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा पार्ट पॉजिटिव के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग ग्राफ पहले जो नीचे था वो ग्राफ वाला पार्ट अभी ऊपर के डायरेक्शन से आगे शिफ्ट कर जाएगा, ये अपना साई स्क्वायर वाले पार्ट का वैल्यू है। तो सिमिलर टाइप से जब हम लोग 3s वाले पार्ट का ग्राफ बनाएंगे मान लो, तो 3s वाले पार्ट के ग्राफ को मेंशन करते वक्त हम लोग का ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आया था, ग्राफ में दो हेलो क्या बोल रहे हैं डिस्कस कर दीजिए ना सर, आवाज नहीं आ रहा था ठीक से अभी। कहां से सर? ये साई स्क्वायर वाले से, अभी 2s वाला। अच्छा, 2s वाले पार्ट में बताया, तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग वाले पार्ट में जो भी नेगेटिव पार्ट है नेगेटिव पार्ट को बस हम लोग को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। जैसे हम लोग का पहले साई 2s वाले पार्ट का जो ग्राफ था वो इस टाइप का ग्राफ निकल के आया था। तो जहाँ पे नोड है, मतलब जहाँ पे फंक्शन जीरो के बराबर हो रहा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां तक हम लोग का फंक्शन जैसे जैसा दिख रहा था वैसे ही बना दो, बस जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव वाले पार्ट की जगह पे इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में, ग्राफ का स्टीपनेस थोड़ा चेंज होगा। जैसे ग्राफ ये जितना नीचे गया है अगर वो वन से थोड़ा बड़ा वैल्यू है तो ग्राफ यहाँ पे थोड़ा ऊपर से जाएगा, बट ग्राफ के नेचर को हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो इस केस में जो पार्ट नीचे है एग्जैक्टली वही पार्ट स्क्वायरिंग होने पे ऊपर के डायरेक्शन में चला जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आना शुरू हो जाएगा। तो ग्राफ हम लोग का नीचे वाला पार्ट नॉर्मली साई का ग्राफ था, ऊपर वाला पार्ट हम लोग के साई स्क्वायर वाले पार्ट का ग्राफ है। जैसे 3s की बात करते हैं तो 3s वाले पार्ट में हम लोग को दिख रहा है कि ग्राफ वाले पार्ट का नेचर क्या है। तो अगर इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो पहला जो हाफ है वैसे ही रहेगा, जहाँ पे नोड आना था वैसे ही रहेगा, दूसरा नोड जहाँ पे आना वैसे ही रहेगा। ग्राफ वाले पार्ट का स्क्वायरिंग करेंगे तो ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ये जो स्क्वायरिंग हुआ था इसकी वजह से ग्राफ थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वापस से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ग्राफ का नेचर जो ब्लू वाला बनाया है एग्जैक्टली इस टाइप का मेंशन करते हुए आराम से काम कर सकते हैं हम लोग। ये हम लोग के साई स्क्वायर रेडियल वाले पार्ट का ग्राफ निकल के आराम से आ सकता है। तो बस इसमें ध्यान ऐसा रखना, जैसे जो हम लोग का वेव फंक्शन वाला पार्ट पहले था बस उसी वेव फंक्शन को हम लोग को स्क्वायर करते चले जाना है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उस चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते चले जाना है, अपना ग्राफ आराम से निकल के आता चला जाएगा। जैसे मान लो कि 2p की बात करते हैं तो 2p वाले पार्ट में ग्राफ का नेचर इस टाइप का दे रखा था, तो इसको व्हाइट एक काम करते व्हाइट से रिप्रेजेंट कर देते हम लोग का 2p वाले पार्ट में ग्राफ ऐसा दे रखा था। तो जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग में क्या होगा, तो पॉजिटिव वाला पार्ट पहले भी पॉजिटिव था अभी पॉजिटिव है, बस वैल्यू थोड़ा हो सकता है बड़ा हो जाए, कोई ज्यादा डिफरेंस निकल के नहीं आएगा। ये है कि 1 के नीचे का, मतलब मान लेते हैं यहाँ तक 1 था वैल्यू,
तो वन तक का वैल्यू थोड़ा नीचे होगा और उसके बाद एकदम से ग्राफ स्टिकली ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. लेकिन हम लोग ग्राफ के एग्जैक्ट वैल्यू को रिलेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस उसके नेचर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ से हम लोग का साई स्क्वायर वाला पार्ट आराम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2p वाले पार्ट के लिए. अगर हम लोग 3p लेके चलते हैं तो 3p वाले पार्ट का ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आया था, इस टाइप का निकल के आया था. तो जब हम लोग इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग वाला पार्ट भी एग्जैक्टली यहाँ पे जो ग्राफ का स्टीपनेस था इस टाइप का निकल के आया था. फिर यहाँ पे वैल्यू जीरो के बराबर, फिर उसके आगे वाले पार्ट को जो नेगेटिव पार्ट उसको पॉजिटिव कर दिया और ग्राफ को आगे लेकर के चले गए. तो जो भी हम लोगों का नॉर्मल वेव फंक्शन मतलब रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस रेडियस का जो ग्राफ है एग्जैक्टली सेम ग्राफ का नेचर रहेगा, बस नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव कर दो और उसके बाद स्टीपनेस का थोड़ा ध्यान रखो अगर एग्जैक्ट कंपैरिजन करना है तो. बट अदरवाइज नेचर पूछा है तो नेचर वाले पार्ट में तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग 3p के लिए आराम से ग्राफ कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं. फिर उसके बाद जो मेन ग्राफ होता है जो हम लोग को डिस्कस करना होता है 4πr² ψ² का. मतलब ये ग्राफ है जो हम लोग को डिस्कस करना होता है 4πr² ψ² वर्सेस रेडियस. अब इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ भी बोलते हैं हम लोग. तो 4πr² ψ² वर्सेस अगर रेडियस का ग्राफ कंसिडर करें हम लोग, तो इसको समझने के लिए जैसे सॉरी 4π ये होगा यहाँ 4πr² वाला पार्ट होता है बेसिकली 2πr और इनटू साई और इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग. तो 4πr² वाला पार्ट रहता है. इसका ग्राफ डिस्कस करना है तो जैसे इसको हम लोग हम पहले एक छोटे से वैल्यू से रिलेट करके रखते हैं. जैसे मान लो हम लोगों को इस पूरे ग्राफ में दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है. एक तो ये कंसिडरेशन अपने पास 4πr² इंटू रेडियस का स्क्वायर और दूसरा पार्ट जो इसमें ग्राफ में कंसिडर करना है साई स्क्वायर वाला पार्ट. तो जैसे 4π तो कांस्टेंट है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग ग्राफ में ये पूरे के पूरे वैल्यू को रेडियस से रिलेट कर रहे हैं. तो एक चीज तो है ना भाई कि टाइम के साथ रेडियस वाला पार्ट चेंज हो रहा है, बेसिकली रेडियस वाला पार्ट इंक्रीज कर रहा है और उसके अलावा जो वेव फंक्शन है वो भी चेंज कर रहा है मतलब वेरी कर रहा है. तो बेसिकली हम लोग को r² वर्सेस साई स्क्वायर वाले पार्ट से मतलब है जिस चीज को कंसिडर करके चलना है. तो इसको ऐसा कंसिडर करो जैसे x इंटू वाई है अगर, तो मान लेते हैं कि हम लोगों का x का जो वैल्यू है वो जीरो है शुरुआत में, y का वैल्यू 5 के बराबर है, तो अपना वैल्यू कितना आएगा टोटल 0 के बराबर. मान लेते हैं x का वैल्यू इंक्रीज करते हैं और y का वैल्यू डिक्रीज करते हैं, तो x का वैल्यू 1 किया y का वैल्यू 4 किया. तो इस केस में मतलब मान के चल रहे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x का वैल्यू 1 किया y का वैल्यू 4 किया तो टोटल वैल्यू 4 के बराबर आया. फिर x का वैल्यू बढ़ा के 2 किए y का वैल्यू 3 किए तो इस केस में टोटल वैल्यू 6 के बराबर आया. x का वैल्यू 3 किए फिर इसका वैल्यू 2 किए तो टोटल वैल्यू 6 के बराबर आया. फिर x का वैल्यू 4 किए आगे वाला पार्ट 1 किए तो वैल्यू 4 के बराबर आया. और x का वैल्यू 5 किए y का वैल्यू 0 किए तो वैल्यू 5 के बराबर आया सॉरी 0 के बराबर आया. तो एक चीज देखो यहाँ पे शुरू में वैल्यू 0 था, फिर वैल्यू बढ़ा 4, फिर 6, फिर 6, 4 और 0. मतलब पहले यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद 6 से लेके आगे जाने पे वैल्यू डिक्रीज कर रहा है. तो हम लोगों को एक चीज दिख रहा है कि जब भी हम लोग कोई दो पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं x इंटू वाई मतलब दो वैल्यूज को आपस में दोनों के दोनों वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स को जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें एक इंक्रीजिंग है और दूसरा डिक्रीजिंग है, मान के चलते एक इंक्रीजिंग है और दूसरा डिक्रीजिंग है, तो उस केस में बीच में कहीं पे कुछ मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगा. हो सकता है कि 6 की जगह पे 6.5 भी मैक्सिमम वैल्यू, हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, बट बीच में कहीं पे मैक्सिमम निकल के आएगा, उससे पहले भी मिनिमम है उसके बाद में भी वैल्यू डिक्रीज ही करेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं. मिनिमम सबसे शुरू में होगा सबसे लास्ट में होगा, बट बीच में वैल्यू कहीं ना कहीं मैक्सिमम निकल के आएगा. तो जैसे अगर इस पार्टिकुलर पॉइंट को इस वाले पार्ट में अप्लाई करके देखें तो हम लोगों को यहाँ दिख रहा है ग्राफ में कि 4πr² वर्सेस साई स्क्वायर दे रखा. इसमें जो रेडियस है वो तो शुरुआत में जीरो था लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ना शुरू हो गया. साई स्क्वायर वाला पार्ट जो है वो डिपेंड करता है अलग अलग वेव फंक्शन के ऊपर, हो सकता है डिक्रीजिंग हो सकता है इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग भी था जैसे यहाँ पे मान लो ग्राफ है तो शुरू में वैल्यू बढ़ा था फिर टाइम के साथ घटा था घटा था, इस टाइप का ग्राफ हो सकता है. अगर हम लोग ये एस का ग्राफ लेके चलते हैं तो वैल्यू शुरू में डिक्रीजिंग था फिर एकदम से बढ़ा था फिर घटा फिर बढ़ा घटा, मतलब ओवरऑल तो वैल्यू
टाइम के साथ थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन बस एक चीज है कि शुरू में जो आर वाला पार्ट है वो इंक्रीज कर ही रहा है, मतलब शुरू में धीरे धीरे जीरो से इंक्रीज करना शुरू किया तो इंक्रीज करता चला गया। तो हम लोग ये जो मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट है इस चीज को वहां से रिलेट कर सकते हैं अपने आराम से, मतलब उसमें नोड्स का ध्यान रखते हुए काम करना है। एक चीज का ध्यान रखना है हम लोगों को कि हम लोगों को साई वाला पार्ट कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है। साई वाला पार्ट जहां जहां पे जीरो हो रहा है साई स्क्वायर भी जीरो होगा, और जीरो से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हम लोग का जीरो ही निकल के आने वाला है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। तो उस केस में जैसे मान लो अगर हम लोग ग्राफ में मान लो 1s वाले पार्ट का ग्राफ बनाते हैं, तो 1s वाले पार्ट में हम लोग का 4π² r² × ψ² वर्सेस रेडियस का ग्राफ है। तो उस केस में जैसे ग्राफ अपने पास ऐसा था, शुरू में काफी हाई वैल्यू था और टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा था, और रेडियस वाला पार्ट शुरू में जीरो था बट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा था। तो इस केस में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो एक डिक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब जैसे यहाँ पे वैल्यू में डिस किया था, एक डिक्रीजिंग वैल्यू है और एक इंक्रीजिंग वैल्यू है, तो बीच में कहीं मैक्सिमा निकल के आएगा, उससे पहले भी वैल्यू छोटा रहेगा, उसके बाद में भी छोटा वैल्यू रहेगा। तो इस केस में जो हम लोग का ग्राफ है, जब रेडियस जीरो था तो ओवरऑल वैल्यू जीरो होगा, फिर टाइम के साथ ग्राफ वाले पार्ट में वैल्यू बढ़ेगा, फिर एक मैक्सिमा के बाद वापस से वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में जो 1s है उसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो कर्व है, मतलब 4π² r² वाला पार्ट इंटू साई स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राफ शुरू में जीरो होगा, फिर टाइम के साथ मैक्सिमम पे पहुंचेगा, फिर वापस से घट करके मिनिमम होना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट जब हम लोग 1s वाले पार्ट की बात करते हैं और उसमें भी हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं, तो हाइड्रोजन वाले पार्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 0.529 एंगस्ट्रम के लॉन्ग आता है। ये वैल्यू कहीं ध्यान देखा दिया है, कहीं पे देखा है 0.529 एंगस्ट्रम? Yes, sir. Yes, sir. रेडियस वाले पार्ट में आता है, बोर्स रेडियस वाले पार्ट में। तो इसीलिए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स मॉडल है उसको हम लोग एग्जैक्टली गलत नहीं कर सकते। 0.529 × n² / z ऐसा कुछ वैल्यू आता है ना, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं, मतलब जो अपना बोर्स मॉडल है वो इंटायरली गलत नहीं है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के भी इस पार्ट को एक्सप्लेन करता है कि हम लोग का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0.529 एंगस्ट्रम के बराबर आ रहा है। तो इसीलिए वो वैल्यू या फिर वो जो पूरा का पूरा मॉडल है वो पढ़ने लायक मॉडल अभी भी कंसिडर किया जाता है। तो पहले वाले पार्ट को तो ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं जो हम कंसेप्ट बताए, एक फंक्शन डिक्रीजिंग है एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो एक सर्टेन टाइप पे पहले वैल्यू जीरो रहेगा, फिर बढ़ना शुरू होगा, फिर मैक्सिमम आएगा, फिर वापस से घटना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे मान लो अगर हम लोग 2s वाले पार्ट की बात करते हैं, तो 2s वाले पार्ट में भी जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस रेडियस का ग्राफ बनाएंगे तो एक चीज तो फिक्स है, स्टार्ट तो हर एक ग्राफ में अब जीरो से होने वाला है, क्योंकि जीरो वाले पार्ट में एक चीज हमेशा रहेगा, मतलब रेडियस वाला पार्ट जीरो के बराबर है, तो अगर रेडियस जीरो है तो उसे किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राफ जीरो के बराबर ही रहेगा। फिर टाइम के साथ रेडियस वाला पार्ट बढ़ाना शुरू किए, लेकिन हम लोग का जो ग्राफ है, जैसे हम लोग 2s वाले पार्ट के ग्राफ की बात करें अगर, तो 2s वाले पार्ट में कहाँ था ग्राफ, ये ग्राफ वाला पार्ट है 2s का। फिर 2s वाले पार्ट को कंसिडर करके चले तो शुरुआत में वैल्यू हम लोग का डिक्रीजिंग है, फिर एक जगह पे नोड निकल के आया, तो उस ग्राफ को जब रिलेट करें हम लोग, जैसे नीचे हम इस ग्राफ को सामने मेंशन कर रहे हैं, 2s का ग्राफ हम लोग के लिए साई स्क्वायर का कुछ ऐसा निकल के आया था। तो इस केस में शुरुआत में डिक्रीजिंग फंक्शन था जबकि रेडियस वाला पार्ट इंक्रीजिंग था, तो शुरू में हम लोग का वैल्यू मैक्सिमम तक जाएगा फिर घटना शुरू होगा, और जिस टाइम पे नोड आया उस टाइम पे हम लोगों का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी जीरो के बराबर होगा। फिर से अब यहाँ पे हम लोगों का जो ग्राफ है, ग्राफ वाला पार्ट मतलब यहाँ राइट साइड में मेंशन कर रहे हैं, ग्राफ वाला पार्ट इंक्रीजिंग है और रेडियस वाला पार्ट भी इंक्रीजिंग है। तो उस केस में ग्राफ वाला पार्ट है वापस से इंक्रीज करना शुरू करता है और रेडियस वाला पार्ट भी इंक्रीज करता है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन थोड़ा हाइयर वैल्यू तक इंक्रीज करता है, फिर टाइम के साथ वापस ये चीज घटना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों का जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट डिक्रीजिंग था केवल नोड तक, जबकि रेडियस इंक्रीजिंग था, तो पहले जीरो से शुरू किए फिर एक मैक्सिमम आया फिर उसका जीरो पे आए, फिर दूसरा पार्ट इंक्रीजिंग है और रेडियस भी इंक्रीजिंग है, तो वैल्यू और हायर वैल्यू तक गया क्योंकि रेडियस का वैल्यू भी काफी हाई हो चुका है। फिर जब ग्राफ घट के जीरो के अराउंड होना शुरू होगा तो बाकी पार्ट भी जीरो के बराबर आराम से निकल के आ सकता है। तो जब हम लोग 2s के जगह पे 3s वाला पार्ट मेंशन करेंगे तो उस केस में हम लोग का 3s का ग्राफ ऐसा कुछ निकल के आता, इस टाइप का कुछ निकल के आता। तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करके काम करेंगे तो शुरू में जीरो से वैल्यू शुरू किए, उसके अलावा एक मैक्सिमम आया, फिर जीरो पे वैल्यू गया,
फिर वापस से वैल्यू इंक्रीज करेगा, फिर एक जीरो पे वैल्यू आएगा, फिर वापस से वैल्यू इंक्रीज करेगा, फिर जीरो पे वैल्यू नहीं आएगा, इन्फिनिटी जाने पे जीरो का वैल्यू निकल के आएगा। ये हम लोग आराम से 3s के 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर वर्सेस रेडियस का ग्राफ आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद मान लो अगर हम लोग 2p की बात करते हैं तो 2p वाले पार्ट का ग्राफ ध्यान रखते हुए काम करना साई स्क्वायर का। तो साई स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप का था, तो इसमें क्या होगा, तो अब यहाँ पे जैसे हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग ग्राफ वाला जो पार्ट है वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है शुरू से, मतलब शुरू में ही इंक्रीज कर रहा था वैल्यू, तो जब शुरू में इंक्रीज कर रहा है फिर लास्ट में डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग जब इसको रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राफ वाला पार्ट सिमिलर टाइप का होगा, शुरू में इंक्रीज करेगा फिर लास्ट में जब वैल्यू जीरो के अराउंड होना शुरू होगा इन्फिनिटी पे, तो हम लोग ग्राफ वाला पार्ट आराम से एक मैक्सिमा के बाद डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा। ये हम लोग के 2p का ग्राफ आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। मान लो अगर हम लोग ट्राई करके देखो अगर मान लो हम लोग 3p का ग्राफ बनाते तो कैसा निकल के आना चाहिए, उसके अलावा अगर हम लोग 3d का ग्राफ बनाते तो कैसा निकल के आना चाहिए, ये दोनों ग्राफ ट्राई करके देखो। हमेशा साई स्क्वायर वाले पार्ट से रिलेट करके रखना है इस चीज को। शुरू में रेडियस जीरो है तो ग्राफ जीरो से ही शुरू होगा, फिर यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, फिर वैल्यू जीरो पे आ रहा है, तो जहाँ पे वैल्यू जीरो पे आ रहा है वहां पे अपना ग्राफ वाला पार्ट भी जीरो के बराबर आएगा। फिर उसके बाद ग्राफ वाला पार्ट और इंक्रीजिंग है, रेडियस भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसके ग्राफ वाला पार्ट वापस से मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा और इन्फिनिटी पे आराम से जीरो के बराबर जा सकता है। एक चीज ध्यान रखना, ग्राफ में जो कंसेक्यूटिव पीक होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग ही रहेगा, पहला पीक छोटा रहेगा, दूसरा उससे बड़ा रहेगा, तीसरा उससे भी बड़ा रहेगा, क्योंकि रेडियस का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते चले जा रहे हैं टाइम के साथ। ये तो अपना 3p का ग्राफ निकल के आ सकता है। अगर 3d वाले पार्ट को बनाएंगे तो 3d वाले पार्ट का ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आया था, तो उसके इसमें यहाँ पे ग्राफ अगर कंसिडर करेंगे तो जीरो से शुरू होगा और मैक्सिमम के बाद आराम से डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ये हम लोग का 3d का ग्राफ आराम से कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, जो ग्राफ का नेचर है इसको एक्सप्लेन करने में कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा? ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कर रहे हैं जी। नो सर, सिंगल इलेक्ट्रॉन और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा अगर आप बना? सिंगल इलेक्ट्रॉन में हम लोग कहां 3s 3p की बात करते हैं। 3s 3p सर पहला जो भी ग्राफ होगा अगर, अरे वो जो हम सवाल पूछ रहे सुना कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 3s 3p बोल सकते हैं क्या? नहीं, कहां से उसमें ऐसा ग्राफ बना पाएंगे, है कि नहीं? हाँ, उसमें बस एक छोटा सा फैक्ट याद रख सकते हैं मेरे हिसाब से, जैसे अगर हम लोग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट की बात करें, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले पार्ट की बात करें, तो उस केस में बस ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, जैसे सेम वैल्यू ऑफ एन के लिए, मतलब एन का वैल्यू अगर सेम है तो उस केस में जो जो रेडियस है, जैसे है ना कि पहले हम लोग का मान लो ये ग्राफ था, मान लो 3s वाले पार्ट का ग्राफ था, तो 3s वाले पार्ट में जो सबसे मैक्सिमम हम लोग का वैल्यू आया था प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले पार्ट का, तो डेफिनेटली किसी पार्टिकुलर रेडियस के अलोंग आया है, मान लेते हैं R1 के बराबर है। जब हम लोग 3p की बात कर रहे थे तो जो मैक्सिमम वैल्यू आया ये भी किसी पार्टिकुलर रेडियस के अलोंग आया है, मान लेते हैं R2 के बराबर है। 3d वाले पार्ट को अगर लेके चले तो उसके इसमें ग्राफ जो है उसका भी मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं R3 के बराबर निकल के आया है, तो उस केस में सेम वैल्यू ऑफ एन पे
जो हम लोग का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला पार्ट का जो पॉइंट आया है वो जिस रेडियस पे आएगा, तो ऐसा नॉर्मली लिखने का तरीका होता है आर मैक्स वाला पार्ट। तो आर मैक्स हम लोग का सेम वैल्यू एस एस वाले पार्ट के लिए, जैसे एन लेकर के अगर चल रहे थे तो हम लोग थ्री के लिए कंपेरिजन कर रहे थे, तो थ्री एस वाले पार्ट में आर मैक्स का वैल्यू सबसे सबसे ज्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला पार्ट जो वैल्यू निकल के आ रहा वो थ्री एस वाले पार्ट के लिए सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस पे आएगा। फिर उसके बाद हम लोगों का थ्री पी का नंबर आएगा और फिर सबसे लास्ट में हम लोग आराम से थ्री डी का नंबर कंसिडर कर सकते हैं, या इन जनरल ऐसा लिख सकते हैं एन एस एन पी और एन डी वाला पार्ट। ये पॉइंट का बस थोड़ा ध्यान रखने का होगा। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। थ्री पी के फाइव स्क्वायर में पहले पीक के बाद सर डिक्रीज कर रहा है वैल्यू, हाँ, और रेडियस इंक्रीज कर रहा है सर, बीच में एक मैक्सिमम आना चाहिए था ना, किसमें? थ्री पी के फाइव स्क्वायर में, थ्री पी के फाइव स्क्वायर में, हाँ, थ्री पी का ग्राफ बनाना, हाँ, क्या बोल रहा है इसमें? सर थ्री पी के फाइव स्क्वायर में सर पहले पिक के मैक्सिमम के बाद वैल्यू डिक्रीज कर रहा है और रेडियस इंक्रीज कर रहा है, रेडियस तो सर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और थ्री पी के मैक्सिमम के बाद वैल्यू डिक्रीज कर रहा था सर, बीच में एक मैक्सिमम आना चाहिए था ना। तो तुमको क्या लगता है कि ये जो पॉइंट है ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है क्या? कभी फिजिक्स में ऐसा सवाल सॉल्व किया है कि जैसे मान लो कि जीरो से गाड़ी शुरू की है, जीरो वेलोसिटी से, और इसका एक्सेलरेशन वाला पार्ट हम लोग का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 मीटर पर 2 मीटर पर सेकंड उसका ही लेता है। तो सवाल ऐसा आता है फिजिक्स में, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल होता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा। मान लो कि ऐसा एक्सेलरेशन जो एक सर्टेन टाइम के बाद जीरो कर देते हैं, एक्सेलरेशन जो है शायद वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है, मान लेते हैं 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, तो कितना टाइम के बाद मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आएगा, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जिस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो को बराबर हो जाता है उस टाइम पे फिर हम लोग ऐसा कुछ कंसिडरेशन लेकर चलते हैं, 2t स्क्वायर होता है, फिर पता नहीं क्या होता है एग्जैक्टली, हमको ध्यान नहीं है फंक्शन क्या होता है, बट ऐसा सवाल होता है कि शुरू में हम लोग वेलोसिटी जीरो रखे, फिर एक्सेलरेशन वाले पार्ट को हम लोग डिक्रीजिंग रखे, ठीक है, 2t डिक्रीजिंग नहीं होगा, क्या डिक्रीजिंग फंक्शन रखे हैं, 2-t कर देते हैं, तो 2-t डिक्रीजिंग हो जाएगा, 2-t पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है मान के चल रहे हैं, तो उस केस में ऐसा थोड़े ना है कि हम लोगों का जिस टाइम पे एक्सेलरेशन वाला पार्ट जीरो के बराबर हो जाता है या फिर ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आता है एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है तो वहीं पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। एक्सेलरेशन के मैक्सिमम होने से थोड़े ना मतलब होता है, उसके बाद भी अगर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा तो वेलोसिटी और थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे उसको सिंपल तरीके से फंक्शन हमको याद नहीं आ रहा या फिर उस तरह का फंक्शन रिलेट नहीं कर पा रहे, मान लो ऐसा कर लेते हैं कि शुरू में एक्सेलरेशन वाला पार्ट हम लोग का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वेलोसिटी वाला पार्ट इंक्रीज करेगा, 4 से हम लोग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गए तो वेलोसिटी वाला पार्ट इंक्रीज करेगा और ज्यादा इंक्रीज करेगा, वहां से फिर से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तो वेलोसिटी ऐसा थोड़ा ही कि डिक्रीज कर जाएगा, एक्सेलरेशन अगर है तो वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज करेगा, फिर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाएंगे तो भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब वेलोसिटी वाला पार्ट इंक्रीज करता ही जाएगा, जिस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो के बराबर आएगा उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगा, उस टाइम पे वेलोसिटी का हम लोगों के पास मैक्सिमम वैल्यू निकल के आना शुरू होगा। तो वैसा ही चीज यहाँ पे फाइव स्क्वायर वाले पार्ट में वैल्यू इंक्रीज कर रहा था तो हम लोग का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, जिस टाइम पे मैक्सिमम आया उस टाइम पे ग्राफ मैक्सिमम नहीं आ रहा, जब डिक्रीज कर रहा है तो इसके डिक्रीजिंग वाले पार्ट में कहीं जा करके हम लोग का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है यहाँ पे, रेडियस वाला पार्ट तो टाइम के साथ इंक्रीज कर ही रहा है एटलीस्ट, तो शुरू में ग्राफ इंक्रीज करेगा ही करेगा, बाय डिफॉल्ट इंक्रीज करेगा, इनफैक्ट तेजी से थोड़ा इंक्रीज करेगा, फिर जिस टाइम पे ग्राफ थोड़ा नीचे होना शुरू होगा उस टाइम पे भी क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है तो ग्राफ वाला पार्ट थोड़ा इंक्रीज करेगा, तब जाके आगे की कहीं स्लैंट पे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं रीजन में रेड कलर से इसको मार्क कर रहा है, इस रेड वाले जोन में कहीं पे हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगा, ना कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है? Yes. और कोई डाउट? हेलो बोलो भाई, और कोई डाउट? सर आर इक्वल टू जीरो पे कौन सा नोड होगा? आर इक्वल टू जीरो पे, आर इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, मतलब कौन सा नोड होगा एंगुलर रेडियस उसको काउंट करेगा? आर इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? सेंटर
निकलेस, तो निकलेस में नोड थोड़े ना हम लोग मान सकते हैं, रेडियल नोड तो बोल नहीं सकते, रेडियल नोड का मतलब क्या बताए तो ऊपर नोडल सरफेस, तो सरफेस निकलेस से थोड़े ना पास करेगा। ये है कि जैसे हम लोग जब एंगुलर नोड की बात करते हैं तो एंगुलर नोड हमेशा न्यूक्लियस से पास करता हुआ कंसिडर करते हैं हम लोग, तो एंगुलर नोड का पार्ट ले सकते हैं वहां पे, लेकिन क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो रेडियल फंक्शन के टर्म में डाल रहे हैं, मतलब रेडियल नोड के टर्म में डाल रहे हैं, तो वहां पे रेडियल नोड डिफाइन करना पॉसिबल नहीं हो सकता न्यूक्लियस वाले पार्ट पे। इन्फिनिटी पे जैसे इस तरह का एक सवाल रहता है कहीं कहीं पे, मान लो कि हम लोग इन्फिनिटी की जो बात कर रहे हैं तो इन्फिनिटी पे ग्राफ टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब यहाँ पे नोड नहीं है, बट अगर हम लोग कंसिडर कर ले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी नोड है तो उसको भी एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, जो हम वहां लिखते हैं ना एन माइनस एल माइनस वन, तो जो एन माइनस एल है वो एक्चुअल में टोटल नोड है बट उसमें माइनस वन कर दिया क्योंकि इन्फिनिटी के नोड को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो एन माइनस एल माइनस वन ताकि इन्फिनिटी का नोड वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो जाए टोटल नंबर ऑफ नोड्स में। और कोई डाउट? जल्दी बोलो और कोई डाउट? चलो अगर ग्राफिकल पार्ट में डाउट नहीं है तो इसके बाद एक ये चीज रहता है, जैसे देखा होगा बड़ा अजीब टाइप का इक्वेशन रहता है साई टू एस इज इक्वल टू, मतलब इस तरह का इक्वेशन है, क्वेश्चन एक बार ये एडवांस में आया है साई टू एस इज इक्वल टू समथिंग इन टू समथिंग, फिर उसके बाद ई पर पावर समथिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कुछ इक्वेशन दे रखा होता है और उसे पूछता है कि मतलब एग्जैक्टली सवाल तो मुझे ध्यान नहीं है, सवाल देख लेना एक बार दिए एडवांस, तुम्हारे बुकलेट में भी दे रखा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बुकलेट में सब्जेक्टिव में दे रखा होगा और प्रीवियस ईयर में भी दे रखा होगा। इस तरह के सवाल को क्या करना होता है बता रहे हैं, सवाल देखने में बहुत डरावना होता है बट सवाल कुछ है नहीं, एक्चुअल में कुछ नहीं है। सवाल में हमेशा ये पूछा होता है कि कितने डिस्टेंस पे हम लोग के इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, या फिर हम लोग का जो ये है नोड है रेडियल नोड कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो जो तुम्हारा फंक्शन है वो हमेशा रेडियस के टर्म में दे रखा होगा, मतलब रेडियल टर्म में दे रखा होगा श्रोडिंगर का फंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। प्रोबेबिलिटी जीरो होने का मतलब है पहले तो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट कंसिडर कर लेंगे, तो जैसे साई टू एस है उसका स्क्वायरिंग कर लिया और प्रोबेबिलिटी जीरो है इसका मतलब इस चीज को जीरो के बराबर पुट कर लिया, तो ये जो भी इक्वेशन दे रखा होगा उस पूरे के पूरे इक्वेशन वाले पार्ट को हम लोग आराम से जीरो के बराबर पुटअप करके चल सकते हैं। जीरो के बराबर पुटअप करने का मतलब है जैसे मान लो ऐसा इक्वेशन दे रखा है, हम बस एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि साई टू एस का एक वैल्यू है साई टू एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इंटू ई पर पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू समथिंग समथिंग कुछ है, कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू लेते हैं फोर पाई स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। फिर पूछा गया इसका नोड कहाँ पे निकल के आएगा, एक्स वाला पार्ट क्या है तो डिस्टेंस मान के चल रहा है, एक्स इज इक्वल टू रेडियस ऐसा मान के चल रहा है, तो इस केस में इसका नोड कहाँ पे निकल के आएगा, मतलब एक्स के किस वैल्यू पे नोड निकल के आएगा, फिर किस डिस्टेंस नोड निकल के आएगा, तो सीधा इसका स्क्वायरिंग किया, जब स्क्वायरिंग किया तो यहाँ से x माइनस थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो गया, उसके अलावा ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे e पर पावर माइनस एक्स बाई टू है, उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो e पर पावर माइनस एक्स हो जाएगा इंटू फोर स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, मतलब फाइव पर पावर फोर कर दिया और इस पूरे वैल्यू को जीरो के बराबर पुट कर दिया। तो इसमें जैसे दो तीन पार्ट है, एक तो ये पहला पार्ट, दूसरा e पर पावर माइनस एक्स और तीसरा कॉन्स्टेंट वाला पार्ट। कॉन्स्टेंट तो कभी जीरो के बराबर हो नहीं सकता, उसे छोड़ दिया। वैल्यू क्या क्या जीरो हो सकता है, तो ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो हो सकता है या फिर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, केवल यही दो वैल्यूज को हम लोग जीरो के बराबर पुट अप कर सकते हैं। एक चीज बताओ, अगर ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स कितना आएगा? इन्फिनिटी। तो इसका क्या मतलब है कि निकलेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम लोग को जीरो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जीरो प्रोबेबिलिटी मिल रहा है। जैसे यूनिट के टर्म में काम कर रहे हैं कि जो रेडियस वाला पार्ट है वो मीटर के टर्म में है,
मान के चलते हैं, मतलब ऐसा कोई तो रूल नहीं है, होना चाहिए एंगस्ट्रॉम के टर्म में, बस हम मीटर के टर्म में मान के चल गए। तो हम लोग का 2x का वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब दो नोड है हम लोग के पास बेसिकली। अगर दो नोड है तो x इज इक्वल टू 1 मीटर पे भी नोड आएगा, x इज इक्वल टू 2 मीटर वाले पार्ट पे भी नोड निकल के आएगा। तो ग्राफ में सवाल में कैसा ही फंक्शन दे रखा हो, तो फंक्शन को देख के परेशान मत होना, फंक्शन जान लो से कॉम्प्लिकेटेड दे रखा होगा डराने के लिए। बस हम लोगों को नोड निकालना है, तो नोड निकालने के लिए साई स्क्वायर करो, साई स्क्वायर करने के बाद पूरे पार्ट पार्ट को जीरो के बराबर पुट करो, उसमें जहाँ जहाँ पे वेरिएबल फंक्शन है सारे के सारे वेरिएबल फंक्शन वाले पार्ट को जीरो के बराबर पुट करके जाओ, देखो क्या क्या वैल्यू आता है। और जो जो वैल्यू आ रहा है उसमें जैसे यहाँ 1 मीटर और 2 मीटर है, तो ऐसा सवाल पूछ सकता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो है तो 2 मीटर, मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो मतलब 1 मीटर, ऐसा हम लोग आराम से आंसर बोल सकते हैं। तो सर अगर 2-3 सवाल दे रखा होगा बुकलेट में, दे रखा है सवाल, उसको ट्राई करके देखना, मेरे हिसाब से आराम से बन जाना चाहिए। तो ग्राफिकल पार्ट में दिक्कत नहीं आना चाहिए, ग्राफ वाला पार्ट, और हम सजेशन में ग्राफ वाला पार्ट रट करके रखो तो ज्यादा बेटर है, बट जो समझने का तरीका था वो तुम लोगों को बता दिया है। और कोई डाउट हो तो पूछो। बोलो अभी जल्दी, और कोई डाउट? एक्चुअल में पहले हम इसको दूसरे तरीके से समझाते थे, मतलब जो पूरा श्रोडिंगर इक्वेशन था इसको हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाते थे, बट पता नहीं एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे हम देख रहे थे वही चीज़, हमको खुद ही याद रखना पड़ता है ग्राफ वाले पार्ट को, तो ग्राफ वाले पार्ट को याद रखना तो मेरे लिए मुश्किल होता ही है, इसलिए फिर हम इस तरीके से उसको समझने की कोशिश किए थे कि ग्राफ इंक्रीज क्यों कर रहा है, डिक्रीज क्यों कर रहा है। तो ये क्वेश्चन हम कहीं पे देखे थे, मतलब मैथ्स का क्वेश्चन था मेंटल एबिलिटी का, तो इसका मैक्सिमम कहाँ पे निकल के आएगा, इस क्वेश्चन के थ्रू हम सोच पाए कि चलो ठीक है ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है, उससे पहले हमको मेरा दिमाग नहीं काम करता था। बट इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका निकल के आएगा, जैसे पाई वाला पार्ट जो है रेडियल, वो पाई रेडियल तो ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं डायग्राम से और रेडियल नोट से रिलेट करके, उसका स्क्वायरिंग तो और सिंपल है, वो दोनों तो पहले भी ऐसा ही समझाते थे। बस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वाला जो पार्ट है उसको रेडियस से कैसे रिलेट करेंगे उसके लिए जो तरीका बताया है, अगर भूल जाओ तो इस तरीके से ग्राफ आराम से डिफाइन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, और नहीं तो फिर क्लास आज क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्लास तुम लोगों का रिडॉक्स वाले पार्ट में टाइट्रेशन का होगा, उसका भी मोस्टली शायद परसों ही क्लास लगा रखे थे तुम लोग, इस वीक में 3 क्लास लगा रखे थे, बट हम एक बार कन्फर्म करके शेड्यूल तुम लोग को वापस मैसेज कर देंगे। लास्ट वीक एक्चुअल में डाउट क्लास के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, 11th वाले लोगों का भी डाउट क्लास वगैरह चल रहा है, तो छुट्टी नहीं मिल पा रहा ज्यादा क्लास लेने के लिए। और कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा हाँ, ये सत्यजीत एक और टॉपिक के लिए बोला है कि सर इसमें क्या बोलता है सॉलिड स्टेट में जो वॉइड वाला पार्ट होता है, क्या बोला था उसने सत्यजीत, वॉइड और पैकिंग और सर वॉइड में, सर पैकिंग और वॉइड वाला पार्ट, ए बी ए बी सी ए बी, सर उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है बता देंगे, और कोई डाउट उसको याद रख ले वैसे सॉलिड स्टेट वाले पार्ट में, तुम लोग क्लास में हम ही पढ़ाते हैं ना सॉलिड स्टेट? नहीं सर, मेरे हम लोग में साकिब सर कराए थे। अच्छा, किसको हम पढ़ाए थे, कौन से बैच में? सर हम लोग को पढ़ाए थे, तुम लोग को बताए थे, तो याद है तुम लोग को पैकिंग वाला पार्ट, भूल गए सर? याद है, ठीक है उसका जैसे थोड़ा सा पैकिंग वाला पार्ट हम मतलब थोड़ा फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होता है, देखते हैं छोटा सा वीडियो के फॉर्मेट में काम कर लेंगे हम लोग, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काम कर लेंगे, ताकि जो इमेजिनेशन वाला पार्ट है वो समझना आसान हो जाए, क्योंकि करना उसको याद ही है लास्टली, मतलब सॉलिड स्टेट में इमेजिनेशन आपका ज्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन वो इमेजिनेशन किए कैसे थे वो तरीका बता देंगे तो याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे तुम लोगों को एलियंस एलियंस का जो केस बताया था ना, एलियंस के केस में ऐसा समझ लेना कि अभी हाथ से ये परपेंडिकुलर चला गया, वापस से परपेंडिकुलर चला गया, तो थियोरेटिकल की जगह वो चीज समझना काफी रिलेटिवली आसान हो जाता है। तो देख लेंगे एक बार हम लोग, अगर हो सके तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काम कर लेंगे, ताकि तुम लोग को चीजें ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है? डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्लास तुम लोग टाइट्रेशन वाले पार्ट का करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना उस चीज का, ठीक है? और कोई डाउट? सर क्लास दिन में ही लगाइएगा क्या? क्लास दिन में ही लगाइएगा यार, हमको तो उस ग्रुप में ही तो 2-3 लोगों का मैसेज आया था, अलीशा का मैसेज आया था कि सर दिन के टाइम पे ही क्लास लगाइए, तो इसलिए हम दिन में लगा दिए थे, और खुद ही लगता है क्लास नहीं आई आज, रात में ही ठीक रहता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम एनी टाइम कंफर्टेबल है, मेरे लिए भी रात में क्लास लगाना आसान ही है, बट हम लोग ठीक नहीं है। तुम में से कितने लोग मतलब क्लास है, तो मतलब
तुम्हें से कितने लोगों को दिक्कत है सुबह क्लास में? दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही रात को ज्यादा मजा। आयुष आयुष आशा तुमको मजा दिलाने के लिए बैठे जी हम, रात को ज्यादा मजा नहीं सर, मतलब सर दिन में जैसे कि आवाज आवाज भी बैकग्राउंड में आते रहता है ना इसीलिए। हां रात में कोई दिक्कत नहीं। आयुष आयुष कितने बजे सो जाता है? तो कोई टाइम फिक्स नहीं है सर। टाइम फिक्स नहीं मतलब लेट सबसे लास्ट कितने बजे तक सोता है? 2 बजे तक। अरे तो ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो रात को 11 बजे क्लास लगा सकते हैं आराम से। 11 बजे से हम फ्री हैं क्लास लगाने के लिए, बट हम अलीशा वगैरह के मैसेज की वजह से सुबह क्लास लगा दिए। हेलो आए भी नहीं तो हम नहीं आए तो फिर हम लगाएंगे भी नहीं, शाम में क्लास रखेंगे आराम से, तो लोग अपना वीडियो देखेंगे। ठीक है और किसी को इसीलिए दिक्कत बैकग्राउंड में यार सुबह के टाइम पे दिक्कत होता ही है हमेशा, कुछ कुछ होते रहता है। बोल बोलो भी ज्ञान सत्यजीत और कुछ सर? x इक्वल टू 1 और 2 पर आया था तो सर ग्राफ सिमेट्रिक होता है तो माइनस 1 और माइनस 2 पर भी आएगा नोड। क्या 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 बोल रहा है एक सेकंड फिर से बोल। x इक्वल टू 1 और 2 पर नोड आया ना तो कोई भी सर ग्राफ तो सर सिमेट्रिक होता है दोनों तरफ उतना ही होगा तो सर माइनस 1 और माइनस 2 पर आएगा। ऐसा कौन बोल रहा है ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक होता है कोई भी? जैसे सर a का स्फेरिकल है ना तो जितना प्लस एक्स में होगा उतना ही माइनस एक्स पर उसी पोजीशन पर आएगा ना सर। अरे उसमें हम लोग प्लस एक्स और माइनस एक्स लेके नहीं चलते, रेडियल फंक्शन ऐसे काम नहीं करता है। तो तुम लोग यही तो बोले ना एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग है एक्स वाई जेड, उसमें एक्स को हम लोग प्लस और माइनस लेते हैं, बट रेडियल फंक्शन में रेडियस का मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस, वो प्लस के साइड हो या माइनस के साइड, उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता रेडियल वाले में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमको इसलिए आइडिया है क्योंकि हम उस चीज को पढ़े हैं सलोनी में, कभी बचपन में ही पढ़े थे का ध्यान है। रेडियस का मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होता है क्या? नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो यहाँ प्लस और माइनस का कोई लॉजिक नहीं आएगा, इसलिए तो रेडियल फंक्शन में चीजें की जाती है ताकि प्लस माइनस का कोई भी पॉइंट ना रहे। हम चाहे एक्स डायरेक्शन में जाए, चाहे वाई डायरेक्शन में जाए, चाहे जेड डायरेक्शन में जाए, हर एक डायरेक्शन में जाने पे सेम टाइप के डिस्टेंस पे सिमिलर टाइप की चीजें आएंगी। मतलब बेसिकली ऐसा समझ लो जैसे हम लोग यहाँ पे एक रेडियस वाला पार्ट रखे हैं, ठीक है, और इस रेडियस वाले पार्ट में दो जगह नोड निकल गया है, इसको ब्लू से मार्क कर रहा है। तो इस केस में जब हम लोग इस लाइन को रोटेट करना शुरू करेंगे, रोटेट करने के बाद इसको ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाना शुरू करेंगे, तो जब लाइन ऊपर आएगा तो हम लोग का जो ब्लू वाला पॉइंट है ये भी चीज रोटेट होगा एग्जैक्टली सेम तरीके से, तो हम लोग का नोड यहाँ निकल के आएगा। जब लाइन को और ज्यादा रोटेट करेंगे, मान लो इधर लेके चले गए, तो यहाँ वाले पार्ट पे जो हम लोग का नोड वाला पार्ट है वो भी उसी तरीके से रोटेट होता जाएगा उसी एंगल पे, तो यहाँ पे नोड वाला पार्ट फिर से उसी टाइप से निकल के आएगा। तो अगर हम लोग इस लाइन को और थोड़ा रोटेट करते हैं, आगे के डायरेक्शन लेके चले जाते हैं, तो इस केस में अभी भी जो हम लोग का नोड वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली न्यूक्लियस से सेम ही डिस्टेंस पे निकल के आना शुरू होगा, एग्जैक्टली सेम टाइप से ग्राफ आएगा। समझ आया? Yes. उसको एक्स वाई जेड के टर्म में प्लस माइनस मत बोला करो। एंगल का भी माइनस होता है क्या? एंगल हम लोग 0 से 360 डिग्री तक लेके चल रहा है, उसमें r sin थीटा r cos थीटा जो हम लोग x और y से उसको रिलेट करते हैं, x is equal to r sin थीटा और क्या बोलते हैं y is equal to r cos थीटा, इस टाइप का हम लोग कुछ मेंशन करते थे, r cos थीटा और r sin थीटा होता था, एग्जैक्टली हमको पता नहीं है। उस पॉइंट में जो cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू है वो x के वैल्यू को नेगेटिव और पॉजिटिव देगा, लेकिन ओवरऑल रेडियस के टर्म में हम लोग काम करें, थीटा के टर्म में काम करें, फाई के टर्म में काम करें, तो ये तीन में से कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है और कोई डाउट्स?